ஹலோ, குட் மார்னிங் இந்தியா. Monday to Friday, back to back classes, live from studio. आज ही subscribe करें Wi-Fi study channel को. Hello, good morning. Hello friends, welcome to Wi-Fi study, changing the way of learning. स्वागत है आप सभी का इंडिया के number one study channel Wi-Fi study में. तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 8 बजे मंडे टू सैटरडे आपका एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है हाफ एन आवर का, जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर को. अपार्ट फ्रॉम द हिंदू, जो भी न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, डजंट मैटर कौन से न्यूज़पेपर से, कौन से सोर्सेस है, उन सभी को हम डिस्कस करते हैं, ताकि आपके आने वाले एग्जाम के अंदर किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम आपको ना रहे, और साथ में आपके करंट अफेयर के जो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, बाकी सब सब्जेक्ट भी आपके पैरेलल चलते रहे, उनका भी रिविजन जो है वो होता रहे. कहीं ना कहीं से हर चीज़ें क्या है, कोरिलेटेड होती है, तो उन्हीं को हम कोरिलेट करते हैं, और ताकि आपका जो स्टैटिक पोर्शन के साथ में करंट अफेयर है दोनों मजबूत हो सके. करता हूं, आप इसे शेयर जरूर करते होंगे, रेगुलर देखते होंगे. देखिए दोस्तों, देखना जरूरी नहीं है, लेकिन रेगुलर देखना ज्यादा जरूरी होता है. तो रेगुलर बने रहिए, का अलार्म लगा लिया करो 8 बजे का. अगर आपके नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो आई नो दैट अगर आप काफी सारे चैनल सब्सक्राइब करके रखते हैं तो नोटिफिकेशन नहीं आ पाता है, यूट्यूब इतना नोटिफिकेशन नहीं दे पाता है. तो नहीं भी आए तब भी आप 8 बजे का अलार्म लगा सकते हैं. 8 बजे अलार्म लगते ही अगर आप क्लास स्टार्ट करेंगे और हाफ एन आवर डेली देंगे, तो यकीन मानिए कुछ महीने के अंदर आप देखेंगे आपका नॉलेज का जो लेवल है वो काफी इंप्रूव हो गया, काफी बेटर हो चुका है पहले से. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 10 महत्वपूर्ण सवाल के साथ में, जो कि मैंने आपको दिए थे. उसके अलावा तो नाइट हो गई थी, नाइट के साथ में डे वापस हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है. चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जो 10 महत्वपूर्ण सवाल जो है कल के कौन से थे. पहला सवाल, ठीक है, पहला सवाल था, वाइस प्रेसिडेंट इनॉग्रेट द जयपुर फुट आर्टिफिशियल लिम्ब फिट कैंप इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री. तो राष्ट्रपति ने जयपुर फुट आर्टिफिशियल लिम्ब फिट कैंप का उद्घाटन किस देश में किया था. तो आंसर क्या होगा, वियतनाम आपका बिल्कुल सही आंसर होगा. अगला सवाल था आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री होस्ट कांस फिल्म फेस्टिवल. तो कांस फिल्म फेस्टिवल दोस्तों कौन से देश के अंदर ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, ये मैंने आपसे कल पूछा था, और आंसर क्या होगा, ठीक है, फ्रांस आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टीम वॉन द 2019 वीवो IPL. तो वीवो IPL किसने जीता है इस बार, मुंबई इंडियन ने अपना फोर्थ टाइटल है जो कि यहाँ पे जीता है. वो अमंग द फॉलोइंग वॉन मैड्रिड ओपन मेंस टाइटल. तो मैड्रिड ओपन जीता किसने, यहाँ पे जोकोविक ने, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा. नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द स्टेट एनिमल ऑफ केरला. तो स्टेट एनिमल ऑफ केरला की बात करें तो इंडियन एलिफेंट, ठीक है, इंडियन एलिफेंट आपका यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि आपको ध्यान रखना है. ओके, अगला सवाल देखें, नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच प्लान्स टू ऐड 3 मिलियन टेक जॉब्स बाय 2023. उस संगठन का नाम बताया जो 2023 तक 3 मिलियन तकनीकी नौकरियों को जोड़ने की योजना बना रहा है. तो दोस्तों, इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन है ISF, जिसने इसके ऊपर काम करना जो है वो स्टार्ट किया है, ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है. चलिए अगला सवाल देखते हैं, Who has signed a contract agreement with the Nepal Department of Railway to supply 2 1600 HP demo train set. तो 1600 HP demo train सेटों की आपूर्ति के लिए किसने अनुबंध पर हस्ताक्षर करे हैं. तो दोस्तों, कोंकण रेल कॉरपोरेशन है जिसने नेपाल के रेलवे विभाग के साथ में इसको काम को स्टार्ट किया है. Who has taken charge as the command of Air Force Station फरीदाबाद. तो वायुसेना स्टेशन फरीदाबाद की कमान जो है वो चंद्रशेखर भट्ट है जिनको दी गई है. द वर्ल्ड हाईएस्ट रिजोल्यूशन इमेज सेंसर वॉज लॉन्च्ड बाय. दुनिया का सबसे ऊंचा रिजोल्यूशन इमेज सेंटर दोस्तों ये सैमसंग के द्वारा जो है वो किया गया.
द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण वॉज कोड नेम डेस्ट. तो पहला परमाणु जो परीक्षण हुआ था पोखरण के रूप में, उसका कोड नेम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा. स्माइलिंग बुद्धा उसका नाम था दोस्तों. तो ये बात ध्यान रखिएगा. डी आपका सही आंसर है. आप देखते हैं आज का कोड ऑफ द डे क्या है. कीप योर आईज ओपन एंड योर फीट मूविंग फॉरवर्ड, यू विल फाइंड व्हाट यू नीड. तो एक दोस्तों बहुत ही अच्छा कोट है जो कि कीप योर आईज ओपन, हमेशा अपनी आईज ओपन रखें, साथ में हमेशा मूव करते रहें, मेहनत करते चलिए, आप आज नहीं तो कल अपनी मंजिल पा ही लेंगे. दोस्तों देखिए, सबके जीवन में कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है. सब जो है, सबके डायरेक्शंस लाइफ में अलग होते हैं. जरूरी नहीं होता कि हर एक पर्सन जो है वो एक ही चीज के लिए बना हो. तो कई सारे बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, कई सारे बच्चों का हो जाता है, कई सारे बच्चों का नहीं होता है. जिनका नहीं होता है उनकी भी लाइफ के अंदर कई सारे फाइंडिंग्स होती है, डायरेक्शंस होते हैं. तो अगर आप मेहनत कर रहे हो, अगर आप अपने आईज ओपन रख रहे हो, हमेशा पॉजिटिव हो अगर आप, तो यकीन मानिए दोस्तों, अगर जो लोग जॉब कर रहे हैं उनसे भी कहीं बेहतर जो है वो आप कर सकते हैं और करते हैं लोग. तो सबकी अपनी अपनी फाइंडिंग्स है और डायरेक्शंस है. मेजर इंपॉर्टेंट क्या है कि मेहनत करते चलना, ठीक है, टू कीप योर फीट मूविंग फॉरवर्ड. तो जो लोग मेहनत करते चलते हैं दोस्तों, यकीन मानिए आज नहीं तो कल कुछ अच्छा जरूर होता है. तो कभी भी इस चीज का लोड मत लिया करो कि यार आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, आपका ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा. अगर आप मेहनत कर रहे हो ना, तो यकीन मानिए दोस्तों, आज नहीं तो कल कुछ बेहतर जरूर होगा. बस जरूरी क्या है कि मेहनत करते चलना अच्छे डायरेक्शन के अंदर और अच्छे मन के साथ में, ठीक है. तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोड नहीं लेंगे. अगर आपका गवर्नमेंट जॉब में कहीं पर पेपर नहीं निकल रहा है तो कोई बात नहीं यार, लाइफ बहुत बढ़िया है और इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ इट, है ना. ये बहुत छोटा सा पार्ट है गवर्नमेंट जॉब, आप लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और देखते हैं सबसे पहले आज का दैनिक जो है वो क्या कहता है. आज के दैनिक की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे बात करी गई है इंडिया और ईरान के ऑयल इंपोर्ट को लेकर. तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों एक बीजेपी लीडर है, ठीक है, उसको दो हफ्ते की जो है जुडिशियल कस्टडी के अंदर रखा गया है, ओके. और क्योंकि उन्होंने ममता बनर्जी की जो एक मॉर्फ्ड फोटो होती है ना, जैसे कि जो एडिटिंग करके जो फोटो होती है उसको फेसबुक के ऊपर पोस्ट कर दिया, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं थी, ठीक है. तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने तो उसको ग्रैंड कर दिया बेल, लेकिन दोस्तों अभी उसको कुछ टाइम पहले ही जो है 2 हफ्ते की जुडिशियल कस्टडी में रखा गया था. और सॉरी बोलने के लिए भी कहा, एक अपॉलॉजी लेटर है जो कि लिखने के लिए कहा है, ठीक है. इसके अलावा यहां पे बात करें श्रीलंका ब्लास्ट की, तो इंडियन रडार, जो श्रीलंका ब्लास्ट जिन लोगों ने किया है, आईएसआईएस के जो लोग थे वो भी इंडियन रडार के अंदर भी थे, यानी कि भारत भी उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, वो भारत के अंदर भी काफी वॉन्टेड थे. इसके अलावा यहां पे दोस्तों धरना प्रदर्शन किया गया पंजाब के अंदर, और इनके ऊपर वाटर कैनन जो है, ठीक है, पानी से जो पुलिसकर्मी जो बचाते हैं वो यहाँ पे किया गया. इसके अलावा यहाँ पे बात करें तो ट्रेड पॉलिसीज की बात करेगी WTO को. यहाँ पे बात करें तो केरला के अंदर 4 जून को मानसून आ सकता है, ये यहाँ पे बताया गया है. तो कुल मिला के फ्रंट पेज के ऊपर बात करें, ठीक है, ओके, कुल मिला के फ्रंट पेज पे यहाँ पे बात करें तो देखिए, इंडिया जो कॉल लेगा परचेज ऑफ ईरानियन एनर्जी वो कब लेगा? आफ्टर द जनरल इलेक्शन लेगा. तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो सुषमा स्वराज जी है, उन्होंने ईरानियन जो काउंटर पार्ट है जावेद जारिफ, उनको बोल दिया है कि भाई कितना हम ऑयल लेंगे नहीं लेंगे, यूएस की बात मानेंगे, यूएस से पंगा लेंगे, आपकी बात मानेंगे या फिर आपसे रिलेशन खराब करेंगे, सारे के सारे जो भी मैटर है ना वो हम क्या करेंगे, जनरल इलेक्शन के बाद में करेंगे डिस्कशन, ठीक है. अभी तो वैसे ही आपको मालूम है काफी 23 मई को जब एक बार रिजल्ट आएगा, उससे पहले तो कुछ पॉसिबिलिटी है ही नहीं, है ना. तो डिस्कशन जो है ये बैकड्रॉप ऑफ में किया गया, जैसे कि काफ़ी टेंशन हो रहा है, आपको मालूम है पर्शियन गल्फ वाले एरिया के अंदर US के वेवर को लेकर, सप्लाई ऑफ ईरानियन एनर्जी को लेकर, जो कि 2 मई को एंड हो चुका है, ठीक है. तो तहरीन ने जो ईरान है उसने पहले ही बोल दिया था कि 2015 न्यूक्लियर डील को लेकर वो को बाउंड नहीं है, और US ने मना कर दिया था कई सारे देशों को कि अब वो ईरान से तेल नहीं लेगा, ठीक है. तो ये यहाँ पे बोला गया था और उसी को लेकर यहाँ पे बातचीत हुई है. तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, इंडिया जो है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडिया का टॉप सप्लायर है क्रूड ऑयल का ईरान, वन ऑफ द टॉप सप्लायर, मैं नंबर वन पे नहीं है लेकिन वन ऑफ द टॉप सप्लायर के अंदर है. 10% टोटल एनर्जी जो भी हमारी क्रूड ऑयल की डिमांड थी ना, वो ईरान ने ही पूरी करी थी हमारी 2018-19 की बात करें. यहाँ पे देख सकते हो आप, सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल जो हम लेते हैं वो किससे लेते हैं? सऊदी अरेबिया से. ये पिछले आठ साल का डाटा है. तो सऊदी अरेबिया से हम लोग क्या करते हैं, सबसे ज्यादा जो है क्रूड ऑयल लेते हैं. उसके बाद में इराक है, उसके बाद में फिर वेनेजुएला, उसके बाद ईरान, नाइजीरिया, UAE, कुवैत, अंगोला, मैक्सिको, कतर, इस तरीके से सारे देश हैं जिनसे हम क्या लेते हैं, क्रूड ऑयल है जो कि हम लेते हैं.
ठीक है, तो यहाँ पे सऊदी अरेबिया आपसे सवाल पेपर में आ सकता है कि नंबर वन जो है वो कौन हमारा टॉप सप्लायर है क्रूड ऑयल का, क्योंकि काफी मुद्दे के अंदर है। तो सऊदी अरेबिया आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, सेकंड पे इराक है, उसके बाद वेनेजुएला है। चलिए तो ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो काफी बड़ी टेंशन हो गई है यूएस और ईरान के बीच में, और यूएस ने अपने कई सारे जो शिप्स है वो भी उतार दिए हैं। ये जो गल्फ वाला रीजन है, ये वाला जो पूरा गल्फ वाला रीजन आप देख सकते हो, तो यहाँ पे जो है ये जो आपको दो शिप नजर आ रहे हैं ना, ये यूएस के अब्राहम लिंकन और यूएसएस अर्लिंगटन नाम से एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि यहाँ पे उतारे गए हैं। तो यहाँ पे काफी ऑलरेडी टेंशन हो चुकी है और यूएस के टाइटनिंग कर दिया है उसने सेंशन, आपको मालूम ही है, एयरक्राफ्ट कैरियर भी भेज दिया इस रीजन के अंदर। 2 मई को जब से यूएस ने एंड किया था वेवर कि ईरान के ऑयल जो बायर्स है वो ऑयल नहीं लेंगे इंक्लूडिंग इंडिया, 6 मई को यूएस ने सेंड कर दिया एक एयरक्राफ्ट कैरियर और एक बॉम्बर टास्क फोर्स है जो कि गल्फ के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर मैसेज जो है वो दे दिया गया था जो NSA वहां के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है यूएस के, उनका नाम है बॉल्टन, जॉन बॉल्टन उनका नाम है, जैसे हमारे यहाँ पे अजीत डोवाल है वैसे वहां पे कौन है, बॉल्टन है। तो उन्होंने क्लियर मैसेज दिया था ईरानियन गवर्नमेंट को कि भाई हम ना तो आपसे किसी तरीके से बिजनेस के अंदर आपको कहीं का छोड़ेंगे और ना हम आपको लड़ाई में छोड़ेंगे। तो ईरान ने उसके बाद में रिस्ट्रिक्शन जो उसके ऊपर लगाए गए थे न्यूक्लियर डील के, उसने वो भी सारे के सारे हटा दिए, और शिपिंग एक्साइज जो यूरेनियम जो हैवी वाटर अबोर्ड जो कर रहे थे वो भी स्टॉप कर दिए, ठीक है। और उसने बोल दिया है कि हम हमारा यूरेनियम आर्सेनल जो है हम उसको बढ़ाएंगे और हम क्या करेंगे न्यूक्लियर वेपन के अब हम और ज़्यादा काम करेंगे, ठीक है। और पेंटागन ने एक मिलिट्री प्लान भी जो है वो व्हाइट हाउस के अंदर दिया है जिसके अंदर बोला गया कि 1,25,000 ट्रुप जो है वो हम वेस्ट एशिया इस वाले एरिया के अंदर भेजेंगे। और यूएस ने ब्लेम किया ईरान को, ठीक है, कि 4 शिप जो है ना यूएई कोस्ट के ऊपर उनके ऊपर अटैक किया गया है। तो यूएस ने ऐसा तक बोला है कि ईरान ने उसके शिप के ऊपर अटैक किया है, तो इसीलिए बोला गया यहाँ पे कि 1,25,000 ट्रुप जो है वेस्ट एशिया में यूएस उतारने की प्लानिंग कर रहा है। यहाँ पे ऑलरेडी काफी सारे ट्रुप्स हैं जो कि ऑलरेडी डिप्लॉय हो रखे हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ इराक और यूएस वाला जो टोटल ट्रुप्स है करंटली जो इराक वाले एरिया के अंदर है, यहाँ पे कोई नियर बाय 5,000 ऑलरेडी है यूएसए के, कतर के अंदर कोई 10,000 के आसपास, छोटा सा एरिया है देखो कतर इस वाले एरिया में, बहरीन के अंदर भी यूएस नेवी है वहाँ पे भी 7,000 ट्रुप्स है बहरीन के अंदर। तो यूएस ने तो हर जगह आपको मालूम है कब्जा जैसा अपनी आर्मी हर जगह छोड़ रखी है, ठीक है। तो ये एक पूरा का पूरा प्लान बनाया है, ये एक पूरा का पूरा कि ईरान को जो है हम लोग क्या करेंगे यूएस वालों चारों तरफ से घेर लेंगे, जिसके अंदर ये प्लान के तहत जो है ईरान के अंदर इराक के अंदर बोला गया है 5,000 ट्रुप्स होंगे, कतर में 10,000 होंगे, बहरीन में 7,000 होंगे, कुवैत के अंदर 13,000 होंगे, यूएस की आर्मी सेंट्रल फॉरवर्ड है वो, और यूएई के अंदर 5,000 मिलिट्री पर्सनल होंगे। तो इस तरीके से पूरा गल्फ को एरिया को घेर कर जो है 1,25,000 ट्रुप जो है वो प्लान कर रहा है यूएसए इन वाले एरिया के अंदर लगाने को लेकर, समझ गए। तो ऑलरेडी और ये तो वो है जो कि ये रखे हैं उसने, ठीक है। तो इस तरीके से ईरान को चारों तरफ से घेरने की जो प्लानिंग है वो यूएस है जो कि उसके द्वारा करी जा रही है, ठीक है। और कई सारे बच्चे ईरान के बारे में पूछ रहे हैं कि सर ईरान के पीएम कौन है क्या है, देखो वहां पे प्रेसिडेंट है वहां पे, ठीक है, कौन है, हसन रूहानी, ये भी आपसे पेपर में आ सकता है, हसन रूहानी है, कैपिटल तो तहरीन है और ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन चलती है वहां पे, ठीक है। और ये मैंने आपको बताई दिया है, वहाँ पे सुप्रीम लीडर जो है वो तो अली खामेनी है, प्रेसिडेंट वहाँ पे हसन रूहानी है, बाकी तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। करेंसी की बात करें तो करेंसी वहाँ पे क्या चलती है, रियाल, ईरानियन रियाल है जो कि वहाँ पे करेंसी है जो कि चलती है, ठीक है दोस्तों। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है कि सर ईरानियन जो है वो करेंसी जो है वो कितने भारत के बराबर है रुपये के, तो देखो यार बहुत ज़्यादा है, मतलब एक इंडियन रुपी अगर मैं ईरानियन रियाल में कन्वर्ट करूंगा तो कोई बहुत ज़्यादा चल जाएगा, कोई 500-600 रुपए के आसपास पहुंच जाता है करंटली तो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मतलब वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों की वैल्यू के अंदर, ओके। चलिए आगे बात करें, नेक्स्ट चले, और नेक्स्ट पेज जो है पेज नंबर 7 है, यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं किसको लेकर, यहाँ पे छोटी सी न्यूज़ है एक दो उसके बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों इंडिया जो है वो होस्ट करने वाला है आर्मी स्काउट्स मास्टर कॉन्टेस्ट, कहाँ पे, अगस्त के अंदर।
तो पहली बार ऐसा होगा कि इंडिया जो है वो होस्ट करेगा आर्मी स्काउट्स मास्टर कंपटीशन। ये क्या होता है, स्काउट्स का एक मास्टर कंपटीशन होता है जो कि अगस्त में कराया जाएगा, और सेगमेंट होते हैं इसके अंदर, इंटरनेशनल आर्मी गेम्स होते हैं इसके अंदर, आर्मी के जो लोग हैं, दुनिया भर के आर्मी के लोग हैं वो यहाँ पे वो करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे 8 देशों की टीम है जो कि यहाँ पे आएगी, इंक्लूडिंग रशिया और चाइना, और जैसलमेर के अंदर इसको ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। ठीक है, तो जैसलमेर ध्यान रखना है, आर्मी स्काउट मास्टर ध्यान रखना है, साथ में इंटरनेशनल आर्मी गेम ध्यान रखना है। ओके, ठीक है, और ठीक है, काफी सारे बच्चे हैं, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, मानसून के बारे में पूछ रहे हैं, दिल्ली में मानसून आ गया, अभी मानसून नहीं आया एक्चुअली के अंदर, अभी उसको बोलते हैं शार है वो, विंटर मतलब थोड़ी सी प्री मानसून शार बोलते हैं उसको। चलिए ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा यार दोस्तों, कई सारे बच्चे हैं जो कि है ना मेरे से पूछ रहे थे कि सर NTPC की कोई बुक्स है क्या, या फिर कोई टेस्ट पेपर है क्या। तो दोस्तों यार मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जो लोग NTPC का पेपर दे रहे हैं ना, और कोई बुक कोई प्रिफर करना चाहते हैं मॉक टेस्ट के लिए, पेपर के लिए, तो 45 एक मॉडल पेपर का सेट है, मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, 45 मॉडल पेपर आपको मिलेंगे देविंदा पब्लिकेशन के, तो आप चाहे तो वो किताब भी ले सकते हैं। कई सारे बच्चों ने मेरे से किताब के बारे में पूछा था कि सर आप NTPC का तो अभी वाईफाई स्टडी के ऊपर वो भी नहीं है, टेस्ट सीरीज में नहीं है, तो अगर अभी लगाने हो तो क्या कर सकते हैं। तो देवंदा पब्लिकेशन के 45 मॉडल टेस्ट पेपर है NTPC के, तो आप वो ले सकते हैं ना। और कोई भी अगर आपको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन भी चाहिए तो आप कॉल नंबर दे रहा हूँ आपको, उसके ऊपर पूछ सकते हैं कि कहाँ पे मिलेंगे, क्या मिलेंगे, तो आप इस नंबर के ऊपर जो है 81234, ठीक है 1234 है आखिरी के अंदर, 9024281234 है ना, तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और पूछ सकते हैं कि ये किताब कहाँ पे मिलेगी, मॉडल टेस्ट पेपर है NTPC के, है ना। तो कई सारे बच्चों ने मुझसे पूछा था पहले कि सर अगर अभी से करना हो तो क्या कर सकते हैं, मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आए हुए थे, तो इसलिए फिर मैंने आपको ये बता दिया, तो आज देख लेना है ना। ठीक है, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और काफ़ी अच्छे मॉडल टेस्ट पेपर है, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी वैसे आपकी। ठीक है, चलिए तो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। तो ये तो आपको हो गया आर्मी टू होस्ट, इंडियन आर्मी जो है वो होस्ट करने वाली है स्काउट्स मास्टर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पेज नंबर 14 की बात करें तो यहाँ पे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो देख लेते हैं। यहाँ पे भी एक छोटी सी न्यूज है जो कि साइट के अंदर इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि सिटी बैंक और पेटीएम दोनों ने व्हाइट लेबल क्रेडिट कार्ड है जो कि लॉन्च किया है। पेपर में पूछेंगे आपसे स्पेशली बैंकिंग के एग्जाम के अंदर कि व्हाइट लेबल क्रेडिट कार्ड जो है वो किसके द्वारा लॉन्च करे गए हैं, क्रेडिट कार्ड जो है वो किसके द्वारा लॉन्च करे गए हैं। तो सिटी बैंक इंडिया ने लॉन्च करे, सिटी बैंक इंडिया ने, आपको ध्यान रखना है एक तो कौन है, सिटी बैंक है, और प्लस कौन सा है, पेटीएम है, विजय शेखर शर्मा। ओके, तो इन दोनों ने मिलकर जो है व्हाइट लेबल क्रेडिट कार्ड किया है पार्टनरशिप में, और इसमें क्या होगा, क्रेडिट कार्ड के अंदर 1% कैशबैक मिलेगा। वैसे नॉर्मली क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं जो भी आप परचेज करते हो, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आपको कैशबैक मिलेगा 1% का, जो कि ऑटोमेटिकली आपके क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। पेटीएम के बारे में मालूम है, 197 कम्युनिकेशन पेरेंट कंपनी है, और ठीक है विजय शेखर शर्मा है जो कि इसके चेयरमैन और CEO है। आगे बात करते हैं, स्पोर्ट्स की तरफ चलते हैं दोस्तों, स्पोर्ट्स की बात करें, और स्पोर्ट्स की बात करें तो पेज नंबर 16 पे यहाँ पे हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। यहाँ पे एक तो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त यार एक स्पिरिट जो होती है ना, गेम स्पिरिट, वो दिखाई गई वॉटसन के द्वारा। एक ये क्या, एक्चुअली में हरभजन सिंह ने एक पिक है जो कि पोस्ट करी थी, जिसके अंदर दिखाया था कि शेन वॉटसन के यहाँ पे कट लग गया था, ठीक है, जिसमें उनके 5 या 6 टाके लगने थे, काफ़ी बड़ा कट लग गया था, और पूरा ब्लड से जो है ना उनका पूरा पैर आप देख सकते हो पूरा ब्लड से भर गया था। उसके बाद में भी इन्होंने किसी को बताया नहीं था शेन वॉटसन ने, और काफ़ी एक अच्छी इनिंग है जो कि चेन्नई के लिए यहाँ पे इन्होंने खेली थी, कोई नियर बाय 81 रन के आसपास है जो कि इन्होंने बनाए थे, और किसी को बताया नहीं, अगर बता देते तो फिर ऑब्वियस है उनको रिटायर्ड होना पड़ता। तो इतनी बड़ी इतना बड़ा कट लगने के बाद पूरा ब्लड से भर जाने के बाद में भी इन्होंने बैटिंग करते रहे, खेलते रहे, तो काफ़ी ज़बरदस्त स्पिरिट है जो कि इन्होंने अपने गेम को, डेडिकेशन को लेकर दिखाई है। तो सिंपल सी बात है यार, अब जैसे कि शेन वॉटसन का ये डेडिकेशन जो है वो इनके गेम के प्रति था, वैसे ही ये डेडिकेशन जो है आपको भी आपके एग्जाम के प्रति या फिर आपको अपनी लाइफ के प्रति दिखाना बहुत ज़रूरी है, समझ गए। एक कोई भी एक ब्रिलियंट पर्सन बनता है, कोई भी एक
एक आइडल बनता है वो ऐसे ही नहीं बनता यार किसी का, उसके लिए बहुत ज्यादा डेडिकेशन दिखानी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत बार ऐसे स्टेजेस आते हैं जब ऐसा लगता है कि आप इस चीज को छोड़ दो, गिव अप कर दो, ठीक है, साइड में हो जाओ, बाईपास कर जाओ उस चीज को, लेकिन वहां आपके जो है जजमेंट है वो मैटर करता है। अगर आप उस चीज के ऊपर स्ट्रांग होते हो, अगर आप अपने काम को और बेहतर करने की कोशिश करते हो, तब जाके चीजें इंप्रूव होती है और वो वॉटसन के कैरेक्टर के अंदर दिखता है। तो उम्मीद करता हूं कि यार ये स्पिरिट जो है ना ये हर एक आदमी के अंदर होनी चाहिए। वॉटसन का जो काम है वो आप क्रिकेट खेलने का है, वैसे राइट नाउ आपका जो काम है वो आपका पढ़ाई करने का है, वैसे किसी और का एथलीट का होगा तो वो एथलीट अपना काम करेगा, बॉक्सर बॉक्सर अपना काम करेगा, एक्टर एक्टर काम करेगा अपना एक्टिंग करने का, ठीक है। तो हर फील्ड के अंदर जो भी आप काम कर रहे हो उसके अंदर 101% डेडिकेशन दिया करो, डजंट मैटर जो है आसपास क्या कंडीशन चल रही है, लाइफ में क्या चल रहा है। चलिए यहां पर हम बात कर रहे हैं फॉर्मर रेलवे क्रिकेटर के बारे में जो कि है सुरवना लक्ष्मी, ठीक है। तो यहां पे एक स्पेशल फीलिंग जो है जो कि सुरवना लक्ष्मी को दी गई है, फर्स्ट वुमेन है जिनको अपॉइंट किया गया आईसीसी पैनल ऑफ मैच रेफरीज के तौर पे। तो आईसीसी का जो पैनल है मैच रेफरी के तौर पे उनको अपॉइंटमेंट जो है यहां पे दिया गया और फर्स्ट वुमेन है जो कि ये बन चुकी है, ठीक है। तो द हिंदू के अंदर इन्होंने बताया कि फर्स्ट वुमेन आईसीसी पैनल ऑफ मैच रेफरी के अंदर बनाया गया, 50 साल के साउथ सेंट्रल रेलवे की प्लेयर है, ठीक है, प्लेयर हुआ करती थी और ठीक है यहाँ पे बीसीसीआई के द्वारा इनको नॉमिनेट किया गया था, ओके तो ये बात आपको यहां पेपर में पूछ सकते हैं दोस्तों कि कौन सी फर्स्ट वुमेन है जिसको अपॉइंट किया गया आईसीसी पैनल ऑफ मैच रेफरीज के तौर पे। तो यहां पे आपको ये बात ध्यान रखनी है। चलिए सुरवना लक्ष्मी, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है बैन जो कि लिट्टे के ऊपर लगाया गया था 5 साल, और 5 साल जो है यहां पे बढ़ा दिया गया है। तो आपको मालूम है दोस्तों ये ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि राजीव गांधी जी के मर्डर के लिए रेस्पॉन्सिबल थी और बैन लगा दिया गया लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम लिट्टे को 5 साल के लिए, और पहले भी इसको बैन लगा रखा था ऑलरेडी सेक्शन 3 के तहत अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के द्वारा, ठीक है। तो अनलॉफुल जैसे किसी टाइम पे ताड़ा होता था, पोटा हुआ करता था, वैसे अभी कौन सा है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है, ठीक है, यूएपीए कहते हैं इसे। जैसे पहले किसी टाइम पे टेररिस्ट के लिए ताड़ा हुआ करता था ना, टेररिस्ट ठीक है डिस्ट्रप्टिव एक्ट ऐसे करके था इसका, टेररिस्ट डिस्ट्रप्टिव एक्ट करके था, एंटी डिस्ट्रप्टिव एक्ट ऐसे करके था, और फिर वो फेल हुआ, फिर पोटा आया प्रिवेंशन ऑफ द टेररिस्ट एक्टिविटी, फिर वो भी उसको भी हटा दिया गया, ये भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। अभी क्या है, यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, तो उसका सेक्शन 3 है, उसके तहत बैन किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, और तमिल मिलिटेंट और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि श्रीलंका के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर हुआ करते थे, ठीक है। प्रभाकरन था जिसके द्वारा जिसने इसको क्या किया था, फाउंड किया था, ओके okay, तो राजीव गांधी असैसिनेशन आपको मालूम ही होगा, ओके okay, कई सारी मूवीज के अंदर भी दिखाया गया है, और भारतीय एजेंसीज को पता था कि ऑलरेडी काफ़ी क्लूज जो है वो मिल चुके थे ऑलरेडी राजीव गांधी असैसिनेशन के, कि भाई ये चीज़ है जो कि हो सकती है, और राजीव गांधी जी को बोला भी गया था, लेकिन फिर भी जो है वो लोगों से मिलने को लेकर मोटिवेटेड थे, उन्होंने कहा जो होगा देखा जाएगा। और 21 मई 1991 के अंदर ठीक है पब्लिक मीटिंग थी जिसके अंदर 40 किलोमीटर के 50 किलोमीटर आसपास एक चेन्नई के पास में मीटिंग थी जहाँ पे और भी कई सारे 15-20 लोग जो है वो मर गए थे, ठीक है। धानु करके एक लड़की थी, उसके द्वारा जो है लिट्टे की मेंबर थी, उसके द्वारा जो है वो सेल्फ बॉम्बर थी, तो खुद को भी उड़ा लिया गया और साथ में राजीव गांधी जी को भी वहाँ पे क्या हो गया, असैसिनेशन हो गया, ओके तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सुसाइड बॉम्बिंग का केस था, RDX एक्सप्लोजिव जो है वो यूज़ करे गए थे, तो बेल्ट के ऊपर बांधे गए थे, ओके okay, और कई सारे अभी तो आपको मालूम है उनको काफ़ी सारे जो उसके कल्प्रेट है वो अभी भी जेल के अंदर है, तो उनको फांसी की सजा है जो कि ऑलरेडी मिली हुई है, ठीक है। चलिए तो आगे बात करें जो कि DRDO को लेकर, DRDO ने कंडक्ट किया एक सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट, किसको लेकर, आभास को लेकर, तो इसके बारे में देख लेते हैं। ये क्या है दोस्तों, आभास क्या है, ये हमारा क्या है, एक बहुत ही वो है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है, ठीक है। तो DRDO ने कंडक्ट किया सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट आभास का, ये क्या है, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है, कोई हाई स्पीड में जा रहा है तो भी उसको अपन टारगेट कर सकते हैं, उसको उड़ा सकते हैं, ठीक है। रडार से इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम जो है वो जो है यहाँ पे उसके द्वारा ट्रैक किया गया, और फुल्ली ऑटोनोमस वे पॉइंट नेविगेशन मोड ऑन किया गया, उसके द्वारा फिर उसको टारगेट किया गया। आभास क्या है, ये एक इनलाइन स्मॉल गैस टर्बाइन इंजन है जो कि खुद के द्वारा हमारे देश के द्वारा ही बनाया गया था नेविगेशन और गाइडेंस को लेकर, ठीक है। तो ये बात भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है।
नेक्स्ट बात करते हैं डीआरडीओ के बारे में। आपको मालूम ही है सतीश रेड्डी कौन है। सतीश रेड्डी जी जो कि अभी डीआरडीओ के हेड है। ठीक है, डीआरडीओ का फॉर्मेशन कब हुआ था दोस्तों? 1958 में हुआ था। नई दिल्ली के अंदर इसका क्या है? हेड क्वार्टर है। ठीक है, और कोई बजट कितना है? कोई 14-15 हज़ार के आसपास का बजट है डीआरडीओ का, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, कई सारे देश में कोई 52 के आसपास लेबोरेटरीज है जो कि डीआरडीओ ऑपरेट करता है, जिसके तहत वो कई सारी चीजों को बनाने की कोशिश करता है। ओके, चलिए आगे बात करें। इंडोनेशिया कोस्ट गार्ड शिप है जो कि पोर्ट ब्लेयर के अंदर अराइव हुई है, इंडोनेशिया की कोस्ट गार्ड शिप। तो यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, इंडोनेशियन कोस्ट गार्ड शिप जो है उसका नाम है तेंगुआंग दाटू, जो कि पोर्ट ब्लेयर के अंदर आई हुई है। एक हाई लेवल का डेलीगेशन है जो कि फर्स्ट एडमिरल के द्वारा वहाँ पे लीड किया गया है। तो बायलेटरल कोऑपरेशन को इंक्रीज करने के लिए किया गया है दोस्तों। यहाँ पे दातू पेट्रोल वेसल है जो कि 25 ऑफिसर 40 सेलर्स के साथ में पोर्ट ब्लेयर के अंदर पहुंची है। ओके, तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया के बारे में जकार्ता इसकी कैपिटल है, और ठीक है करेंसी क्या चलती है? इंडोनेशियन रुपया। क्या है करेंसी? इंडोनेशियन रुपया। ठीक है, इंडोनेशियन रुपया कितना है बताओ भाई, हमारे करेंसी के हिसाब से कितना है इंडोनेशिया का? अगर हमारा एक रुपया किसके बराबर होगा? इंडोनेशियन रुपया के, इंडोनेशियन रुपया हमारा एक रुपया कितने? 200 इंडोनेशियन रुपया के बराबर होता है। ओके, 200-205 के आसपास है इसकी वैल्यू। ठीक है, इसके अलावा वी डोडो, मैंने पहले भी आपको बताया था कौन है यहाँ पे हेड, कौन है अभी? वी डोडो है जो कि यहाँ पे हेड है इंडोनेशिया के। ठीक है, और लैंग्वेजेस बहुत सारी चलती है यहाँ पे। प्रेसिडेंट यहाँ पे विडोडो हो गए, और करेंसी मैंने आपको बताई दी है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है काफ़ी लेट बना था, 1950 के आसपास है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बना था। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं जो कि है हमारे HDFC अर्गो को लेकर। उसने क्या किया है? मॉस्किटो डिजीज प्रोटेक्शन पॉलिसी है जो कि लॉन्च करी है, मॉस्किटो डिजीज प्रोटेक्शन पॉलिसी। ठीक है, HDFC अर्गो के द्वारा लॉन्च किया गया। अभी देखिए दोस्तों होता क्या है, मॉस्किटो डिजीज प्रोटेक्शन पॉलिसी के तहत जो भी मॉस्किटो है के साथ जो डिजीज होते हैं, जैसे कि डेंगू हो गया, मलेरिया, चिकनगुनिया, जापानीज एंसेफलाइटिस, कालाजर हो गया, जीका वायरस हो गया, ठीक है, ये सारे के साथ अगर किसी को कोई डिजीज होता है तो जो भी उसका मेडिकल एक्सपेंडिचर होगा वो सब क्या होगा? HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस है जो कि प्रोवाइड करेगा, है ना। तो डेंगू केसेस आपके अंदर मालूम ही है 300% ज्यादा बढ़ गए थे, डेंगू केसेस बहुत ज्यादा देश के अंदर काफी बढ़ गए थे। तो इसीलिए दोस्तों इसको ऐसा किया गया है, डेंगू और ये जितने भी मॉस्किटो बॉर्न ट्रॉपिकल डिजीज है ना, वो किसके द्वारा होते हैं? एडेस एगेस्टिस के द्वारा। लिख देता हूं मैं नाम, पेपर में कई बार पूछते हैं यहाँ पे, एडेस इसके द्वारा, इस वायरस के द्वारा जो है इसको ये सारे कॉज होते हैं। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट दिनेश जी की जो क्या अपॉइंट किया गया CEO, किसका? LIC म्यूचुअल फंड का इनको क्या अपॉइंट किया गया, CEO है जो कि अपॉइंट किया गया है। ठीक है, और डायरेक्ट रिक्रूट हुए थे LIC के अंदर 1984 के अंदर, और अभी काफ़ी सीनियर पोजीशन के अंदर पहुंच चुके हैं। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं साना मीर का, जो कि पहली हाइएस्ट विकेट टेकिंग स्पिनर जो है वो ODI के अंदर बन गई है। ठीक है, सना मीर की बात करें तो कौन सी टीम से बिलोंग करती है दोस्तों? पाकिस्तान टीम से बिलोंग करती है। मोस्ट सक्सेसफुल ODI स्पिनर जो है वो दुनिया में बन गई है। ठीक है, साउथ अफ्रीका के एक प्लेयर को डिसमिस करने के बाद में उन्होंने 2005 में डेब्यू किया था, और थर्ड रैंक बॉलर है वैसे अभी प्रेजेंटली, फर्स्ट पाकिस्तानी बॉलर है जो कि ICC टॉप 10 रैंकिंग के अंदर आई थी, और अभी तीसरे पोजिशन के अंदर है। और अभी नंबर वन पे कौन है? झूलन गोस्वामी नंबर वन के ऊपर है, जो कि भारतीय ब्रेटली की मानी जाती है। लुइस हैमिल्टन ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स है जो कि यहाँ पे जीत लिया है, और ग्रैंड प्रिक्स वैसे पेपर में आते नहीं है क्योंकि बहुत सारे होते हैं इसलिए, लेकिन फिर भी आप ध्यान रख सकते हैं लुइस हैमिल्टन है, उन्होंने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स है जो कि तीसरी बार कंसेक्यूटिवली यहाँ पे जीत लिया है। ठीक है, और मर्सिडीज टीम से ये खेलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं जो कि आज है बुल्गेरिया। तो आज हम बात करने वाले हैं सदर्न यूरोपियन कंट्री की, जो कि कौन सा है? बुल्गेरिया। बुल्गेरिया की बात करें तो यहाँ की सोफिया, बुल्गेरिया की राजधानी क्या है? सोफिया। आसपास है सर्बिया, मैसेडोनिया, ठीक है, ग्रीस है, टर्की है, ये सारे के सारे देश है जो कि इसके पास में है। नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ पे एंगिन सी है और यहाँ पे ब्लैक सी, ओके, किसके? बुल्गेरिया के पास में है। तो कैपिटल बताई थी सोफिया, करेंसी लीव है यहाँ पे, रूमन है यहाँ के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे बोसिरोव है, बाउंड्रीज मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा यहाँ पे देखें दोस्तों, ठीक है,
हाईएस्ट बुल्गेरियन माउंटेन है रीला माउंटेन, जो कि नियर बाय 3000 मीटर के ऊपर है। और रोज वैली भी है यहाँ पे, रोज ऑयल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ओल्डेस्ट कंट्रीज है यूरोप का बुल्गेरिया, और कभी भी उसने अपना नाम चेंज नहीं किया पिछले 1500 सालों के अंदर, है ना। बोलते हैं कि योगर्ट जो होता है वो बुल्गेरिया ने ही डिस्कवर किया था, यूनिक फ्लेवर देखने को मिलता है, ठीक है, और दुनिया में जो कहीं पर भी नहीं मिलता ऐसा उनके द्वारा कहा जाता है। पहला एयर ड्रॉप्ड बॉम्ब जो है वो इन्हीं की मिलिट्री के एयरफोर्स के द्वारा बनाया गया था, बाल्कन वॉर के टाइम पे इन्होंने काम में लिया था। इसके अलावा और देखिए बुल्गेरिया के बारे में दोस्तों, और फर्स्ट वुमेन जिन्होंने पायलट जो कि मिलिट्री फ्लाइट के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट किया वो यहाँ की है, बुल्गेरियन एयरफोर्स की पायलट है रायना। यूनेस्को की जो कैलेंडर ऑफ द एशियन बुल्गेरियन जो है वो मोस्ट एक्यूरेट है, जो कि बताया गया बुल्गेरिया यूनेस्को के द्वारा। कैलेंडर ऑफ द एशियन बुल्गेरियन जो है वो दुनिया का मोस्ट एक्यूरेट बताया गया है। और यहाँ पे कोई भी रिलीजन नहीं है, स्टेट रिलीजन कोई भी नहीं है, मेजॉरिटी जो है वो बुल्गेरियन सिटीजन्स की है, जो कि खुद को ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन बताते हैं। यूरोपियन का सिलिकन वैली किसी जमाने में जो है वो बुल्गेरिया है, जो कि हुआ करता था। अब देखते हैं आज का फन फैक्ट विद वाईफाई स्टडी। आज वापस से हम दुबई के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। दुबई जो है वर्ल्ड की फर्स्ट इंडोर सिटी बना रहा है, जिसके अंदर जो कि एरिया कितना होगा 48 मिलियन स्क्वायर फीट का उसका एरिया है, यानी कि पूरी की पूरी सिटी, समझ सकते हो आप, पूरी की पूरी एक सिटी जिस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो ना, ऊपर से कवर्ड है, ना कोई गर्मी का एहसास, ना कोई प्रॉब्लम। ये देखिए यहाँ पे होटल्स कैसल्स बना रखे हैं, यहाँ घर बना रखे हैं, पूरी ग्रीनरी बना रखी है, यहाँ पे पानी का झरना झरना बह रहा है, ठीक है। यहाँ पे हर चीज जो है, ये रेस्टोरेंट्स है, यहाँ पे हर चीज यहाँ पे दुबई के अंदर बनाई जा रही है। तो वर्ल्ड की पहली पूरी की पूरी इंडोर सिटी है जो कि दुबई कंस्ट्रक्ट कर रहा है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि काफी यार एंथ्रॉलिंग चीज है। और देखते हैं आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। पहला सवाल, मई 2019 में पोर्ट ब्लेयर में केएन तजुंग दातु का आगमन हुआ, ये तटरक्षक जहाज किस देश का है? निम्नलिखित में से किसने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर और बल्लेबाज ऑफ द ईयर सीएट 2019 का क्रिकेट रेटिंग का अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीता? सना मीर वनडे में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली स्पिनर बनी, वह किस देश से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलती है? निम्नलिखित में से किसने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2019 जीता है? केंद्र सरकार ने लिट्टे पर पाबंदी 5 साल के लिए बढ़ा दी, लिट्टे का मतलब क्या है? सवाल देखते हैं, उस कंपनी के नाम बताएं जिसने मॉर्टिको डिजीज प्रोटेक्शन पॉलिसी लॉन्च की, जो आम मच्छर जनित बीमारियों के खिलाफ लोगों को कवर करेगी। प्रीमियर लीग फुटबॉल खिताब का दावा किसने किया है? नाबार्ड ने ग्रामीण कृषि स्टार्टअप के लिए 1.5 करोड़ रुपए की पूंजी निधि की घोषणा करी है। बेसल कन्वेंशन में प्लास्टिक अपशिष्ट को शामिल करने के लिए कितने देश है जो कि सहमत है? WHO ने किस वर्ष तक औद्योगिक ट्रांस वसा को खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और पेय गठबंधन के साथ भागीदारी करी है? ओके, तो ये थे आज के आपके 10 महत्वपूर्ण सवाल, और उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उस तरीके से पढ़ते रहें। इसके अलावा अगर आपको किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज देनी है, जैसे कि अभी JEE का एग्जाम आने वाला है, तो दोस्तों वीडियो के नीचे लिंक है, उस लिंक के द्वारा आप RRB JEE की टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। इसके अलावा CGL की टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, बैंक की एग्जाम है उसकी टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हैं। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करिएगा, प्लस में जाइएगा, ठीक है। प्लस में जाने के बाद में ऊपर से आप RRB सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद में सब्सक्रिप्शन के ऊपर जाइए, उसके बाद में 1 महीना 3 महीना 6 महीना जैसे भी आपको प्रिपरेशन करनी है आप वैसे कर सकते हो। अगर आप फॉर एग्जाम्पल NTPC का दे रहे हैं, ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं, CBT 1 के बाद CBT 2 दे रहे हैं JEE के अंदर, तो आप 3 महीने 6 महीने का भी ले सकते हैं, आपको कंप्लीट कोर्स भी मिल जाएगा, साथ में उसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सब कुछ आपको उसके अंदर मिल जाएंगे। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, कूपन कोड के अंदर वाईफाई स्टडी लिखना पड़ेगा और अप्लाई करना पड़ेगा, आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।